माई पॉइंट, मेरा पॉइंट एक ही है, राइटिंग में मुझे चाहिए, वर्बल अश्योरेंस से नहीं काम चलेगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, और अगर हमें ये राइटिंग में अश्योरेंस नहीं मिलता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। और मैं हताई के तौर में पास इंटू डेथ मैं परसों से शुरू कर दूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कहा है कि वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे राइटिंग में नहीं मिलता है मैं अपने लोगों को गुमराह करके झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अगर राइटिंग में मिलेगा तो मैं लोगों को दिखाऊंगा, अगर राइटिंग में नहीं मिलेगा तो मैं अपने लोगों को अंधेरे में रखकर राजनीति नहीं कर सकता। और अगर जाना है तो जाऊँगा, लेकिन बुबागरा बन के, तिपरासा बन के और हानी बुसा बन के जाऊँगा। एक डरपोक इंसान बनकर इधर से उधर जाके मैं काम नहीं कर सकता। सर, ऑल ऑफ अ सडन यू हैड रश टू दिल्ली, हू हैड कॉल्ड यू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल हैड कॉल्ड। इट वाज अ गवर्नमेंट लेवल, नॉट अ पॉलिटिकल। सी, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इफ आई गो टुमारो टू लंदन, और आई गो टू बांग्लादेश, और आई गो टू सिंगापुर, हु विल इशू द पासपोर्ट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। So I want an assurance from the government of India, and if the government of India assures us, then I have no problem. But I will not do anything without anything in writing. That is very clear. बुबाग्रह, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के सामने बुबाग्रह नाटक कर रहा है, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो ने ऐसा कहा? मैं जानता हूँ कौन बोल रहे हैं, मैं उनके लिए आज रात प्रार्थना करूँगा, आप भी प्रार्थना कीजिए। मैं तिपरासा को प्यार करता हूँ, वो लोग तिपरासा होके भी अपने बारे सोच रहे हैं, इसी के लिए आज तिपरासा का ये परिस्थिति है कि हम लोग में कुछ लीडर्स हैं जो स्वार्थी हैं। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बहुत लोग जो मेरे खिलाफ भी हैं पॉलिटिकली, मैंने विद्युत का स्टेटमेंट देखा, आई वेलकम है, मैंने विकास का स्टेटमेंट देखा, आई वेलकम है, शुक्ला से आज बात हुआ, मैं शुक्ला के घर में जाके आज चाय पीऊँगा, बात करूँगा। मैं तिपरासा को इकट्ठा करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहता हूँ। ये लोग के दिमाग में क्या है, इनके दिल में क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमने ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना किया तो शायद उनको कुछ बुद्धि मिले और उनको समझ में ये बात आए कि मैं अपने पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जाति को अधिकार देने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करने के लिए बात कर रहा हूँ। अब अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? बुबाग्रह, आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, इस हालत में आपका ये हंगर स्ट्राइक कितना फ्रूटफुल होगा बुबाग्रह? तो तिपरासा सब लोग डर रहे हैं, बुबाग्रह जिंदा रह के भी क्या करूँ? जिंदा रह के भी मैं क्या करूँ? अगर मैं अपने लोगों को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मैं करूँ क्या? तो जो करना है मैं करूंगा। भारत, इज इट दैट सपोर्ट टू योर कॉज, इजंट इट? इट्स नॉट बीजेपी, इट्स नॉट कांग्रेस, इट इज नॉट मोथा, इट इज नॉट आईपीएफटी, दिस इज अबाउट, इट्स नॉट जनजाति आल्सो, इट्स अबाउट पिनाकी, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय पीपल, आई एम नॉट डिनाइंग एनीवन एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, अरे आपने अपने खुद घोषणा पत्र में लिखा है यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 125th अमेंडमेंट पास करेंगे, लैंड राइट्स देंगे, डायरेक्ट फंडिंग देंगे, आपका खुद का घोषणा पत्र में है, मोदी जी का गारंटी का घोषणा पत्र में, आप एक साल हो गया आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, अपना बात, अपना वादा तो इम्प्लीमेंट कीजिए। इलेक्शन के टाइम हम लोग क्या क्या नहीं बोलते, इलेक्शन के बाद एक साल खत्म तो सब चीज़ खत्म, तो हमें तो प्रेशर रखना पड़ेगा। और टिपरा मोथा रहे या ना रहे, हमारा देश तो रहेगा, हमारा कम्युनिटी को तो रहना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई आई एम फाइटिंग। ठीक है, थैंक यू।